हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। डे है 18th of March और मैं हूँ ग्रेटर नोएडा में। मैं ग्रेटर नोएडा रात को आया था, भाई का बर्थडे है इसीलिए। दो तीन दिन पहले मोच भी आ गई थी पैर में ट्रेडमिल करते हुए जिम में। तो पापा क्या है, गांव के बंदे हैं और उनको तरीके आते हैं मतलब निकालने के। इसके लिए ना सुबह सुबह का टाइम सबसे बेस्ट होता है क्योंकि टाइम पर बॉडी बिल्कुल रेस्ट पे होती है। पापा भी उठ गए, उनसे पैर की मोच ठीक करवाते हैं और मैं दिखाता हूँ उनको कि कैसे मेथड होता है वो। सो फ्रेंड्स, जैसे मैंने बताया सुबह का टाइम सबसे बेस्ट होता है क्योंकि सारी मसल बिल्कुल रिलैक्स होती हैं, कोई प्रेशर नहीं होता है उन पे। तो ऐसे ही सरफेस पे उल्टा लेटने के लिए बोल दिया जाता है और हाथ भी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। और यहाँ पे पापा देखिए सारी नस एकदम बिल्कुल नीचे ला के निकाल रहे हैं मेरी और ठीक कर रहे हैं। सो गाइज, मौसम देखिए कितना प्यारा हो रहा है और हर जगह जहाँ मैं सुन रहा हूँ, चाहे वो हिमाचल हो, कोलकाता हो, मुंबई हो, राजस्थान हो, हर जगह बारिश हो रही है। अभी मैं नारियल पानी पीने जा रहा हूँ। मैंने ना मॉर्निंग में एक आदत अपनाई है रोज़ कि मैं नारियल पानी पीता हूँ सुबह उठ के खाली पेट। तो अभी यहाँ पे मिलता है सोसाइटी के बाहर, तो चलिए चलते हैं नारियल पानी पीते हैं। यूट्यूब देखता है? यूट्यूब नहीं पता क्या होती है? यूट्यूब में ले रहा हूँ चल। तो फ्रेंड्स, इसका नाम ना छोटू है, ये हमारी सोसाइटी के बाहर नारियल पानी बेचता है। मुझे ना शूट करता देख के पूछा था कि आप रिकॉर्ड क्यों कर रहे हो, तो मैंने इसे बताया कि मैं यूट्यूब के लिए रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो एक्साइटेड हो गया वीडियो में आने के लिए, तो इसलिए मैंने इसको भी ले लिया, शूट कर लिया। और ये ना उसने मुझे बताया कि ये रात को लेट नाइट और सुबह जल्दी मॉर्निंग करके अपनी शिफ्ट फिर स्कूल भी जाता है। तो ये सुन के तो मैं बहुत वो हो गया कि कितना डेडिकेटेड है इतनी सी उम्र में। हेलो फ्रेंड्स, लिटिल अपडेट, मैं ब्रेकफास्ट करने के बाद सो गया था। बाहर ना बारिश जैसा मौसम हो रखा है पूरा। अभी ना मम्मी और पापा नोनू को लेने गए हैं। नोनू आ रहा है फरीदाबाद से ग्रेटर नोएडा। पहले मामी भी आने वाली थी लेकिन फिर मामी ने सोचा वो एक दो दिन के लिए क्या आना, इसलिए मामी नहीं आई। लेकिन नोनू के एग्जाम खत्म हो गए हैं और उसका रिजल्ट भी आज आ गया है, वो पास हो गया 11th के एग्जाम्स में, इसीलिए वो थोड़े दिन रुकने के लिए आ रहा है। तो इसको लेने गए हैं मम्मी और पापा, थोड़ी देर में आएंगे। और मैं भी उठ गया हूँ और फिर मैं ना मैच देख रहा था, एक्चुअली ऑल इंग्लैंड चल रहे हैं और मैं ना यहाँ पे सुपर 1000 इवेंट देख रहा हूँ। इनके सुपर 1000 इवेंट चल रहा है, तो इट इज़ लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट टूर्नामेंट बैडमिंटन में। इट इज़ लाइक ग्रैंड स्लैम जैसे टेनिस में होता है। तीन होते हैं सुपर 1000 इवेंट इन टोटल और ये हाईएस्ट लेवल ऑफ टूर्नामेंट है बैडमिंटन के। और आज सेमीफाइनल्स में इंडिया की वुमेन्स डबल में प्लेयर्स खेल रही हैं, सिर्फ इंडिया से वही खेल रहे हैं, वही पहुंचे हैं अभी तक सेमीफाइनल्स में। तो अभी वो फर्स्ट सेट डाउन है तो थोड़ा सा इंटेंस चल रहा है मैच, तो मैं अभी सेकेंड सेट के बाद कुछ बोलता हूँ। आ रहा हूँ। सारी आ गए। नमस्ते, क्या आ गए? घूम ठीक है, वहाँ जाएंगे सवेरे देखेंगे। सुन, उन्होंने आते ही ये काम संभाला था, ये यहाँ पे ये फुला रहा था, ये बर्थडे का पूरा फुलाने वाला, ये जो हमने मम्मी के बर्थडे पे भी किया था जो आपने देखा था, ये वो कर रहा है। तो मैं दिखाता हूँ बाकी लोग क्या कर रहे हैं। ये मम्मी यहाँ पे खाना बना रही है। बस तो मम्मा, आपकी वीडियो को सब बहुत पसंद करे, क्या बोलना चाहोगे? क्या एक्टिंग स्किल्स हैं। और आप सब मम्मी को कमेंट सेक्शन में बोलिए कि मम्मी को धनोटू अच्छा लगता है कि नहीं, क्योंकि मम्मी को अच्छा नहीं लगता लेकिन मुझे लगता है कि मम्मी पे सूट करता है। यहाँ पे पापा को बजाना तो आती है लेकिन प्रैक्टिस कर रहे हैं फिर भी कोई एक नया सॉन्ग। तो अभी मैं और नोनू जा रहे हैं नीचे देखने के लिए बैडमिंटन कोर्ट सूखा है कि देखते हैं सूखा है। वैसे मेरा बहुत मन था नोनू आएगा तो बैडमिंटन खेलेंगे क्योंकि अच्छा खेलता है, बट आज बारिश हो गई और देखिए इतनी बारिश हो गई कि ठंडी हवा चल रही है, जिससे जैकेट और टोपी पहननी पड़ रही है। तो पीछे नोनू आ गया है, चले चलो। सो गाइस, टाइम हुआ है 11:50 और अभी डेकोरेशन तो हमने पहले ही कर दी थी, ये 9 बजे के राउंड ही कर दी थी। थोड़ा बहुत लिखा, देखिए बैलून भी तब के नीचे गिरने लग गए हैं और अभी हमने केक भी निकाल के बाहर रख दिया है। अभी भी सारे सो रखे हैं, इनको उठाते हैं और फिर सेलिब्रेशन स्टार्ट करते हैं। उठो, आप इधर रेडी हो रहे हो, सुंदर लग रहे हो आज। आपने एक बार भी हेलो हाय नहीं कर रहा है व्लॉग में, हाय कर दो। हाय। सब तो उठ जाएंगे, पर्दे बॉय को तो उठाना पड़ेगा। हमारी डेकोरेशन तो रेडी, उठाओ उन लोगों को पहले। Happy birthday, Dikran. Happy birthday. अच्छा चाकू तो ले आओ। Happy
अभी कहाँ से खाओगे आप? गुस्सा मत कर पलमा रानी। हमारी फोटो भी रहती है, हमें भी तो देखने का मौका मिलना चाहिए। हमें भी तो देखने का मौका मिलना चाहिए कि नहीं? क्यों नानू? अभी तो तुम्हारा खींच लो। वही गिर गया ऊपर से। मुझे घर जाना है, मुझे घर जाना। अब वो भी कह रहा बस करो। We are done with photo shoot, और अभी रात को तो कुछ नहीं करने वाले। दो इंसान में बहुत एनर्जी है, हुक्का भी पी रहे हैं और बांसुरी बजा रहे हैं, तो हम तो चले सोने और सुबह मिलते हैं। सुबह क्या करेंगे आपको बताएंगे, अभी के लिए गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। सो गुड मॉर्निंग गाइज, टूडे इज 19th of March और वर्जा का बर्थडे भी है आज। हैप्पी बर्थडे टू वर्जू भैया, और आप सब भी कमेंट सेक्शन में जरूर से हैप्पी बर्थडे विश करिएगा। और देखिए अब धूप निकल आई है थैंकफुली, हैं बस नहा धो के तैयार होते हैं, नाश्ता करते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। सो यस फ्रेंड, नहा धो के हो चुके हैं तैयार, और ये देखिए कल कहाँ जैकेट वगैरह पहनी थी और आज हाफ स्लीव में आ गए हैं बिल्कुल धूप निकलते ही। नहीं ये मजाक हो रहा है। सो फ्रेंड्स, अभी मैं अपना मॉर्निंग रिचुअल करने जा रहा हूँ, नारियल पानी जो मैं पीता हूँ खाली पे, और ये मम्मी ने गाय को रोटी देने के लिए भी बोला है, वो आज गाय को रोटी देते हैं रोज सुबह, तो गाय को रोटी देंगे और नारियल पानी पियेंगे और फिर दूध भी लेकर आना है। चलिए चलें। जय गाय माता। ये लो आपका दूध। मैं अनु बैडमिंटन खेलने जा रहे हैं, ठीक है बैडमिंटन खेल के आते हैं, चलो गेट बंद कर लो। लिफ्ट तो बहुत ऊपर है, नीचे चलते हैं। इन्होंने बोल के लेके आया कि उस तरह हवा नहीं चल रही, और जो हवा चल रही होगी तो पिटेगा, ठीक है मानते हैं। ये फंस गया सी। हमने सुबह पैसे को बोल के थोड़ा पानी वानी हटवाया है वहाँ से, देखते हैं कैसी स्थिति है फिर उस हिसाब से खेलते हैं। सो हवा भी चल रही है, वो वाला कोर्ट तो सूखा नहीं है, पता नहीं क्या बोला था सुपरवाइजर ने, कहाँ सुखाया पागल से ने, और यहाँ पे भी थोड़ा थोड़ा पानी, तो इधर खेलना बेटर है। सो हम अभी नीचे आए थे एक रील शूट करने के लिए, और हमने रील शूट कर ली है, रील यहाँ पे लगा दूंगा मैं, देखिएगा आपको कैसी लगी बताइएगा। क्या हमें नाचने का शौक था, उसे नचाना आता था। और अभी मस्ती हो रही है और बिल्कुल हवा नहीं चल रही, तो मैं सोच रहा हूँ कि बैडमिंटन खेले जानू ना, बैडमिंटन लिया फिर से एक और राउंड हो जाए। पंजे के राउंड दिखा हमारा। 1 2 3 स्टार्ट। कहाँ बच्चों से लड़ रहा है तू वैसे? तेरा तो गेम बचाना। ओहो नोनू वाह वाह कम ऑन। नोनू पूरा लेट गया है, बिच गया है। हाँ अपने से 9 साल छोटे को हरा के है। सो ये देखिए लाइट भी जल गई है, और अभी ना बिल्कुल सूखा भी हुआ है सब जगह, तो अभी बहुत मजा आ रहा है खेलने में। वर्जा वहाँ पे खेल रहा है बैट बॉल, कुछ ऑलरेडी खेल रहे थे उनके साथ खेल रहा है, और हम यहाँ खेल रहे हैं। अब आ रहा है असली मजा, पहले दिन में इतनी हवा चल रही थी, अभी बिल्कुल हवा नहीं चल रही और इतना अच्छा ही लग रहा है खेलने में, तो हम मिलते हैं आपसे खेलने के बाद। अपडेट, हम खेल कर आ गए हर वाली दुकान से, ये लिया था मैंने, सोचा कुछ ऑर्डर करेंगे, लेकिन मम्मी ने ऑलरेडी पनीर बना रखा है तो यही खाते हैं, और केक भी बचा है अभी थोड़ा सा, कभी और खा लेंगे बाहर का। और ये ब्लॉग मैं अभी यहीं खत्म करता हूँ, 2 दिन से बन रहा है ब्लॉग, तो इसकी एंडिंग ले लेते हैं। थैंक यू फॉर योर विशेज अगर आपने दी है वाशुभैया के लिए तो, और थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिए। हमारी डांसिंग रील आपको कैसी लगी और हमारी कॉमेडी रील कैसी लगी आप जरूर बताइए कमेंट सेक्शन में, और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के में। इस हफ्ते वैसे ही बहुत सारी चीज़ होने वाली एक्साइटिंग, तो स्टे ट्यून्ड, बाय बाय, टेक केयर, बाय।